कहते हैं हैं इतना गंदा गंदा वो जो गाली दिए थे, मेरा भी मुंह खराब हो जाएगा। मेरे पति तो थे नहीं और लेडीज पुलिस नहीं साथ में रहने, उन लोगों के साथ में नहीं था, उसके बावजूद भी मेरा ये बाल पकड़ के मेरा घर का सामने जो दीवार है उसमें हमको घसीट दिए हैं। और मुरगुंडा पुलिस ने बिहार से अपने चाचा के घर सौंदा डी आई एक नाबालिग सोनू साहनी को 3 दिन तक हाजत में बंद रखा। गांजा बेचने के आरोप में जेल भेजने की धमकी देकर उसके परिवार वालों से 1.5 लाख रुपए वसूलने के बाद उसे छोड़ा। इस डेढ़ के इंतजाम में चाची ने अपने सारे जेवर बेच दिए, तब पैसों का इंतजाम हो सका। 28 अप्रैल को इस मामले की जाँच के लिए पतरातू SDPO वीरेंद्र राम ने खुद पीड़ित के घर सौंदा डी पहुंचकर उसका बयान दिया। महिला निशा चौधरी ने बताया कि SDPO ने पूरी बात सुनने के बाद न्याय का भरोसा दिया। निशा ने बताया कि 10 अप्रैल की रात करीब 11 बजे बुरगुंडा थाना के छोटा बाबू निर्भय गुप्ता सिपाहियों के साथ उसके घर पहुंचे और उसके पति हरी चौधरी को बेतहाशा पीटने लगे। इसी क्रम में मार के डर से उसके पति हाथ छुड़क कर भाग गए। इसके बाद पुलिस ने उनकी पत्नी के भी बाल पकड़ कर गालियां बकते हुए कहा कि घर में गांजा कहाँ रखा है बताओ। ये कहने पर मेरे घर में कोई गांजा नहीं, पुलिस ने पूरे घर की तलाश ली, जब कुछ नहीं मिला तो एक दिन पूर्व गांव से आए मेरे 15 वर्ष के भतीजे को अपने साथ उठाकर ले गए। छोटा बाबू निर्भय गुप्ता ने एक मोबाइल नंबर देकर उस पर संपर्क करने को कहा। भुरकुंडा पुलिस की करतूत बयां करती है कि पीड़ित महिला के माध्यम से 1.5 लाख रुपये दिया गया है। इस मामले को प्रकाश में आते ही पुलिस अगर ये पदाधिकारी के कान खड़े हो गए और पीड़ित महिला के आवेदन पर SDPO मामले की जांच करने सौंदा डी हरी चौधरी के घर पहुंचे। इस दौरान SDPO ने कहा कि मामले में दोषी पाए जाने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी दोषी होगा उसे सलाखों के पीछे भेजेंगे। यही है कि अप्रैल में हम ससुराल से आए तो उसके बाद में हम लोग घर में रात को सोए हुए थे, अचानक से प्रशासन आया भुरकुंडा का निर्भय गुप्ता, भुरकुंडा थाना का निर्भय गुप्ता छोटा बाबू और छोटा बाबू के साथ में जो सिपाही थे वो लोग आए, दरवाजा खटखटाएं, दरवाजा हम लोग खोलें, यहीं पे इसी आंगन में मेरे पति को मतलब जिस तरह से नहीं मारना चाहिए उस तरह से भी मारे, डंटा से, झांपड़ से, पैर से, उसके बाद में इस घर में ले गए। इस घर में लेके जाने के बाद में मेरा बक्सा खराब कर दिए, मेरा सूटकेस खराब कर दिए, मेरे इस घर में मेरा अटैची खराब कर दिए। अब बोलते हैं तुम लोग बिहार से आकर के यहाँ पे धंधा करती है सो तुम लोग को 3 दिन में यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद में मेरे पति को जब दरवाजा खुला हुआ था मेरे हस्बैंड निकल के भाग गए। उसके बाद में हमको, मेरे घर में गार्जियन नहीं है और उनके पास में लेडीज कोई पुलिस नहीं है, उसके बावजूद में मेरा बाल पकड़ के और बोलते हैं मतलब गंदा गंदा गाली दे करके कि तुम लोग बिहार से आकर के यहाँ पे धंधा करती है, तुम लोग को यहाँ रहने नहीं देंगे, और हमको उल्टा पुल्टा किए और इसी दीवार में हमको घसीड़ दिए। घसीड़ने के बाद में कहते हैं कि बयान दो, अपना मोबाइल में वीडियो का कैमरा करके हमको बोल रहे हैं बयान दो कि तुम सुबह 10 बजे तक अपना पति को लेकर के आइए। और हम डर से बोले भी हैं उनके मोबाइल में, डर से ऐसा मेरा मोबाइल ले दो, डर से हम बोले भी हैं इस चीज़ को कि हाँ सर हम 10 बजे अपने पति को हरी चौधरी को लेकर के आएंगे। मेरा भतीजा घर में सोया हुआ था, मारपीट का आवाज़ सुन करके मेरे भतीजा को बाल पकड़ के और गाड़ी में बैठा करके ले गए और बोलते हैं कि अब तो हरी आएगा ही आएगा। उसके बाद में फिर 4:08 पे फिर सुबह आए, उसके बाद में सुनू दीजिए ना, यही हुआ भैया कि हम बोल नहीं रहे हैं, इतना गंदा गंदा वो जो गाली दिए थे मेरा भी मुंह खराब हो जाएगा। मेरे पति तो थे नहीं और लेडीज पुलिस नहीं साथ में रहने, उन लोगों के साथ में नहीं था, उसके बावजूद भी मेरा ये बाल पकड़ के मेरा घर का सामने जो दीवार है उसमें हमको घसीट दिए हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा पति, सबसे बड़ी बात कि मेरे घर में कुछ मिला ही नहीं, उसके बावजूद भी बोल रहे हैं कि तुम्हारा पति तो भाग गया, अब देखो तुम्हारा क्या हाल करते हैं। और गाली गलौज पूरा हमको दिए हैं निर्भय गुप्ता, भुरकुंडा थाना का छोटा बाबू निर्भय गुप्ता का मुंह अगर इतना गंदा है तो हम लोग सेफ नहीं है, महिला सेफ नहीं है। हमको बोलते हैं कि थाना का नाम हमको डर लगता है, थाना जाके हम क्या करेंगे। निर्भय गुप्ता ही मेरे घर में आए थे और मेरा बाल पकड़ के खींचे हैं और हम 1.5 लाख रुपया